अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियादिन टीवी। जैसे हमेशा से मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, आज मेरे साथ पाकिस्तान से लाहौर से बाबर मलिक, हम प्रोग्राम करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, तो फिर हाजिर हूँ। और आने का मकसद यही है कि पिछले दिनों हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग एल्स थोड़ा सा हम शुगर पे बात करेंगे, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाबर मलिक की एक एक्सपर्टीज है, इनका एक अपना ओपिनियन है कि शुगर की मसले मिसाइल को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि बाबर मलिक उसके बारे में भी बात करें। उसके बाद पिछली दफा हमने जिसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर और लाइफ स्टॉक के बारे में बात करनी है, यानी कि इन दो जगह पे पाकिस्तान में खासी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको रिटर्न अच्छी मिलेगी। तो पहले मैं चाहूंगा कि बाबा मलिक साहब, अगर आप जो आजकल पूरे पाकिस्तान में बल्कि अभी थोड़ी देर पहले शुगर के ऊपर एक बड़ी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं उस पर तो नहीं बात करूंगा क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, आप एक एक्सपर्ट हैं, तो मेरी कोशिश तो यही होगी कि आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन दें। लेकिन मेंशन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को समझ आ जाए कि शुगर को कैसे, यानी कि शुगर इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है और इन मसले मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। बाबा मलिक के साहब के पास भी एक आइडिया है, तो यू कैन से यू कैन किल द मैन बट यू कैन नॉट किल द आइडिया। और अगर अच्छा आइडिया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह बहुत सारे आइडियाज वो देख रहे हैं, इस आइडिया को भी अपने जहन में रखें। तो बाबा मलिक साहब, एक तो वेलकम नया दिन में, एज इन रेगुलर एवरी वीक आप प्रोग्राम करते हैं, आपकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक रास्ता बता रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, उस पर हम आएंगे। पहले थोड़ा सा आप शुगर के बारे में बताएं सर। जी, थैंक यू फहीम साहब। इट्स गुड टू बी बैक अगेन। बिल्कुल, ये शुगर का एक मसला, एक क्राइसिस जो है वो इस वक्त चल रहा है। ऑब्वियसली उसकी, जैसे आपने कहा और बिल्कुल ठीक कहा, कि मेरी कोई पॉलिटिकल वो तो है नहीं, मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो स्ट्रेटजी और पॉलिसी के ऊपर बात करता है, तो मैं उसी हवाले से ही इसका जवाब दे सकूँगा। जी, मेरी नज़र में अगर हम पिछले 10-15 सालों के ट्रैक को देखें अपनी शुगर इंडस्ट्री के, तो तीन बड़ी गलतियां जो हैं वो स्ट्रेटजी और पॉलिसी लेवल पे हुई, और उन्हीं गलतियों की वजह से आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे इस वक्त हम आए हुए हैं। ये मसला पिछले काफ़ी सारे सालों से हमें सरफेस लेवल से नीचे तंग कर रहा था, सिर्फ ये था कि इसको लोगों की नज़र में नहीं आया था, लेकिन हम एज एन एक्सपर्ट ऑलरेडी इसको समझते थे, इसको जानते थे कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है और गलत हो रही है। वो तीन चीज़ें क्या थी जो गलत हो रही थी, और अगर उन्हीं चीज़ों को बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट ये क्या आएगा, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो गलत हुई मेरे नज़र में वो ये हुई कि गवर्नमेंट ने कंपटीशन को, एक पॉलिसी के तहत कंपटीशन को इस इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग जिनको हम लाइसेंस देंगे, जिनको हम इजाजत देंगे, सिर्फ वो लोग आके शुगर की इंडस्ट्री को में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको कारोबार कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो एक लीड ग्रुप जो जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थे, ऑब्वियसली ये लाइसेंसेस फिर उन तक ही महदूद रहे। तो जहां दुनिया भर में गवर्नमेंट का रोल ये होता है कि वो कार्टलाइजेशन ना होने दे, कार्टल्स को बनने से रोके और कंपटीशन को बढ़ाए, जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतनी उसका फायदा जो है वो आम आवाम को कंपटीशन के थ्रू पहुंचेगा। क्वालिटी भी चीजों की बेहतर होती है कंपटीशन से और प्राइसेस भी उसकी कमी की तरफ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जब ये रास्ता अडॉप्ट किया कि नहीं, हम लाइसेंस देंगे और सिर्फ लाइसेंस्ड इंडस्ट्री जो है वो आके इस इधर आके शुगर मैन्युफैक्चर कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट ने अपनी जो एक बुनियादी रोल होता है कि जहाँ पे उसने कंपटीशन को इनकरेज और प्रमोट करना होता है और इन्वेस्टमेंट्स को किसी सेक्टर में इनकरेज और प्रमोट करना होता है, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट उसने एक पॉलिसी बनाई। अच्छा, कुछ सेक्टर्स में ये पॉलिसी
ठीक भी होती है लाइसेंसिंग की, लेकिन वो सेक्टर कौन से होते हैं, वो मिसाल के तौर पर जहाँ पे पब्लिक हेल्थ का कोई इशू आ जाए या पब्लिक सेफ्टी का कोई इशू आ जाए, मसलन ड्रग्स, ये जो आपकी अद्वियात हैं, दवाइयाँ हैं, आप हर कंपनी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हर किस्म की मेडिसिन बनाना शुरू कर दे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी और सेहत का मसला है। इसी तरह हथियार, आर्म्स, ये आप हर कंपनी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आर्म्स बनाना शुरू कर दे और उस पर कोई कंट्रोल ना रहे। तो ऐसी चंद एरियाज में गवर्नमेंट जो है वो कॉम्पिटिशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। और मेरी नज़र में एक एरिया और जो है वो ये सिगरेट बनाने वाले, तंबाकू नोशी वाले, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी के क्रिटिकल इश्यूज हों, तो वहाँ पे तो ये रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन एरियाज में ज़्यादा कंपटीशन बढ़े और हर बंदा उस एरिया में एंटर हो जाए। बट अदर देन दैट, खास तौर पे फूड सेक्टर में जहाँ पे पब्लिक का नुकसान होता है अगर कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, लोगों के लिए चीज़ें महंगी होती हैं अगर कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, चीज़ों की क्वालिटी ख़राब होती है अगर कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ता, ऐसे एरियाज में तो गवर्नमेंट को कंपटीशन को इनकरेज करना चाहिए रादर देन लाइसेंसिंग करके एक रजीम ले आए और वहाँ पे कंपटीशन को डिस्करेज करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से जो पहली गलती हुई, ये पुरानी बात है 10-15 साल पहले की, और आज उसको रिवर्स करने के हवाले से अगर किया जाए तो वो ये होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली जो है वो ओपन कर दें कि जिसने भी आना है, जिस कारोबार, जिस इन्वेस्टर ने भी आना है, आए और आके शुगर की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। Although I doubt कि इसका realistically इस वक्त कोई फायदा होगा, क्योंकि already जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया कि शुगर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, शायद मजीद प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिम्बॉलिकली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी कि जी अब हम इस इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं किया करेंगे, तो वो सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो इसमें गलत हुई वो ये कि इसी तरह उनको प्रोटेक्ट भी कर दिया गया कि जी इम्पोर्ट बंद कर दें, आप महंगी बनाएं, महंगी बेचें, हम आपको दुनिया की कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो इसको भी रिवर्स करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट को खोलने की ज़रूरत है, ताकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं ये इंपोर्टेड शुगर के बराबर अपनी प्राइसेस को लेके आएँ और दुनिया के मुकाबले पर प्राइसेस के ऊपर कम्पीट करके हमारे मुल्क में भी अच्छी मियारी और सस्ती चीनी जो है वो लोगों तक पहुँचे। अगर ये कम्पीट करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेंगे, अगर ये कम्पीट नहीं करेंगे तो ये फेड आउट हो जाएंगे। तो ये एक चेक इनके ऊपर मजीद लगाया जा सकता है अगर हम इम्पोर्ट की इजाज़त जो है वो दे दें। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है, मैं इसको इस टॉपिक को फटाफट रैप अप कर देता हूँ आपके लिए, तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि एक्सपोर्ट पे सब्सिडी ख़त्म की जाए, हमने इस पर पिछली दफ़ा भी बात की थी, और उस सब्सिडी को रीडायरेक्ट किया जाए फार्मर्स की तरफ और ख़ास तौर पर उन इनपुट्स के लिए जिससे यील्ड बढ़ती है, जैसे उन सीड की वैरायटीज पे सब्सिडी दे दी जाए फार्मर्स को जो हाई यील्डिंग है, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऐसी मशीनरी खरीदने के लिए जो कि मैकेनाइजेशन को प्रमोट करे और शुगर केन की मैकेनाइजेशन के थ्रू फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बेहतर हो और बेहतर प्लांटेशन की वजह से उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, तो इसमें सब्सिडी जानी चाहिए एंड सो ऑन। तो वहाँ से सब्सिडी ख़त्म करें जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपोर्ट करना तो कभी भी हमारा प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम कहाँ पे था कि प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से सारी वैल्यू चेन सफर कर रही थी, तो उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सब्सिडी को इधर से ख़त्म करके इधर रीडायरेक्ट किया जाए। तो ये मेरी नज़र में तीन चीज़ें जो गलत हो रही थी और अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, तो इसमें कोई मुझे मेरे ख्याल में तो काफ़ी लाइकलीहुड है कि हो सकता है 2 से 3 साल में पाकिस्तान में दुनिया में सबसे सस्ती चीनी बन रही हो, अच्छे मेयार की तो अभी भी बनती है और मजीद बेहतर हो जाए, और नंबर 2 ये कि हम कम्पेटिटिव होके, हमारी इंडस्ट्री कम्पेटिटिव होके इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सके, अगर हम ये 3 चीज़ें ठीक कर लें तो एक इंडस्ट्री जो सिक होने के लिए तरफ जा रही है, बीमारी की तरफ जा रही है, वो बीमारी की तरफ जाने के बजाय आपका एक बहुत बड़ा ताकत और आपका एक सरमाया बन जाएगी और वो दुनिया में आपकी कम्पेटिटिव तरीके से ज़र मुबादला कमाने की जगह पर आ जाए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बाबर साहब बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें मेरा एक सवाल था जो आपने एक तरह से आंसर ही कर दिया, वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमेशा जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोशिश यही की है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और अगर आप चीज़ें इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उसका बल्कि आपको
बाहर, क्योंकि दुनिया सारी में इस वक्त आज के वक्त में डॉलर पे काम होता है, रुपीज में काम नहीं होता, ये एक अलग डिबेट है, उस पर कभी चांस मिला तो इस पर बात करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में जो आपने इसमें कहा है कि अगर उस सेक्टर को सब्सिडाइज किया जाए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडी देने का मकसद सिर्फ यही था कि एक बैलेंस रहे, यानी कि जो लोग काम करें उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बचे, लेकिन वो तो सारा एक्सपोज होके आ गया। जैसे आप, मुझे पता आप सियासी आदमी नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बात में एक बात तो बहुत अच्छी तरह नजर आ गई कि इन्होंने लाइसेंसिंग, जो पिछली गवर्नमेंटों ने लाइसेंस दिए, ये आप नहीं कह रहे, ये मेरी एक कॉमन सेंस की बात है, इन्होंने लोगों को एक्चुअली नवाजा है, उसमें चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने शुगर मिल्स लगाई इसलिए कि इनकी एक बड़ी लुक्रेटिव पैसे बनाते थे, गवर्नमेंट से भी पैसे ले लेते थे, फेक इनवॉइसेस भी, सब कुछ। और लाइसेंस बनाने का मकसद ही यही था जो आपने बात की कि वो जो स्पेसिफिक लोगों को लाइसेंस बना, तो वो लाइसेंस की बजाय वो कार्टल्स बन गए, क्योंकि उन्होंने फिर अपने इंटरेस्ट लेने शुरू कर दिए। और ये बेसिकली पिछली गवर्नमेंटों ने अपने अपने कार्टल्स लोगों को, जो बिजनेसमैन या बिजनेसमैन प्लस पॉलिटिशियन बीच में आए, तो उनको उन्होंने रास्ता दिखाया कि आओ हम आपको पैसे कैसे बना के देते हैं। रियलिटी में ये आपने जो बात की है, इसमें लाइसेंस बनाने का मकसद ही यही था कि अपने प्यारों को, या खुद जो पिछले वजीर आजम भी गुजरे हैं या वजीर आला पंजाब भी गुजरे हैं, आज जो खबरें निकल के आ रही हैं, उन सब की शुगर की इंडस्ट्री थी। इसी तरह पीटीआई में वो जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, सिंध में सारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंटों के जितने भी बड़े बड़े शुगर मिल्स थी, वो दे वर बिलोंग टू ऑल द पॉलिटिकल एलीट्स। शायद उसमें दो चार बिजनेसमैन भी हों, लेकिन मेनली ये पॉलिटिकल एलीट थी, और पॉलिटिकल एलीट ही ने एक्चुअली अपने लोगों को एक कार्टल के तौर पे, यानी कि उनको फैसिलिटेट किया कि वो कार्टल बने। सो बिल्कुल आपने जबरदस्त बात की। और जैसे आपने ये कहा कि अगर हम सब्सिडाइज करते हैं लोगों को कि कैसे अपनी हील बढ़ानी है, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी है, तो दो साल में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में शुगर इम्पोर्ट करने की जरूरत ही ना हो, हम एक बड़े एक्सपोर्टर हों। इनिशियली जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन मनी आएगी, और अगर हम सस्ती चीनी बनाएंगे तो एक तो अपने मुल्क में भी लोगों को सस्ती देंगे, और दूसरा क्योंकि हम कंपेटिटिव होंगे तो दुनिया में भी अच्छी चीनी देंगे। तो इसलिए ये आपकी सजेशन जबरदस्त है। आई होप कि जितने भी लोग सुनने वाले हैं इसको भी ऐसे कंसिडर करें, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह की सजेशन दे रहे हैं, और जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, दिस इज काइंड ऑफ putting ice on to cake kind of things, you know, थोड़ा सा बात को आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा बाबा साहब, मैं चाहूंगा, क्योंकि आज तो हमने इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन इनिशियली ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इस पर इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो हम अपनी जो पीछे से हमने एक डिस्कशन का सिलसिला शुरू किया था, तो उसमें हम एक्चुअली लास्ट टाइम जो मेरी और आपकी बात हो रही थी वो हॉर्टिकल्चर से मुराद, मैं दोबारा उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्या अभी जो लोग देख रहे हैं शायद उनसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है, ये कोई फैंसी नेम नहीं है, इसमें जो पाकिस्तान में सारे सब्जियाँ, फ्रूट या इस तरह की जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में जो बड़ी अच्छी तादाद में बनती हैं, पाकिस्तान एक ज़राती मुल्क है, तो ये वो चीज़ें हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है। तो आप थोड़ा सा रीकैप करें, क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर पे पूरी तरह कवर नहीं कर सके थे, तो अगर जो हमने प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी एक कॉन्सिक्वेंसी रहे या एक सीक्वेंस रहे, तो हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइफ स्टॉक की तरफ आएंगे, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जी बाबा साहब जी, थैंक यू। हॉर्टिकल्चर जो है जी, बिल्कुल जैसे आपने बताया, इसमें फल, सब्जियाँ, फूल और हर्ब्स, ये मेनली इनका शुमार होता है। इन 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 चीज़ों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में काफ़ी हो रही है, तकरीबन हमारी 10-15% जो ज़मीन है वो हॉर्टिकल्चर की कल्टीवेशन, आलूओं को निकाल के, क्योंकि आलू अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी तरफ जा रहा है, तो अगर हम आलू की क्रॉप को निकाल दें तो 10% हमारी ज़मीन तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ
और फल फूल लगाने के अंदर पाकिस्तान की जो है वो इस्तेमाल होती है। ये इसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ 10% ज़मीन ही अवेलेबल है इसलिए वो 10% लग रही है, इसकी वजह ये कि उस 10% ज़मीन में से हम अपने मुल्क की तमाम ज़रूरियात बड़ी आसानी के साथ पूरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें 10% से ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। हमें अपनी ज़मीन के बेहतर इस्तेमाल के लिए, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको 10% से बढ़ाया जाए, उसके अंदर नीचे जो एरिया है उसको 12% 15% 20% लेके जाया जाए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर को हाई वैल्यू क्रॉप्स भी कहा जाता है। एक एक हॉर्टिकल्चर की कीमत जो है वो ज़्यादा होती है उसके एक किलो की इन कंपैरिजन टू हमारी वीट राइस और जो दूसरी क्रॉप्स हैं, तो उनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से फार्मर के पास ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के बढ़ने से जो फार्मर को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि उसकी आमदन में इजाफा होगा, जो हमारी पॉपुलेशन को उसका बेनिफिट होता है वो ये होता है कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, फूड सिक्योरिटी के लिए तो आपको गंदम चाहिए, चावल चाहिए, लेकिन जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ताकि बैलेंस डाइट आ सके उसके लिए आपको फल और फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती है। तो हॉर्टिकल्चर के नीचे की कल्टिवेशन बढ़ाना हमारे फार्मर के लिए आमदन के हवाले से भी और उसके खाने पीने को बेहतर करने के हवाले से भी हमारी आबादी के इसकी बड़ी अहमियत है। इसको बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि मार्केट, लोकल मार्केट में जितनी डिमांड है वो हम ऑलरेडी मीट कर रहे हैं, सिवाय इस चीज़ के जब ऑफ सीजन आता है तो फिर कई दफ़ा हम बाहर से भी इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि शेल्फ लाइफ इसकी कम होती है। तो उसकी बजाय अगर हम ये करें कि उसको उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उसको पल्प या कॉन्सेंट्रेट में कन्वर्ट किया जा सके, दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि उसको डिहाइड्रेशन उसकी हो सकती है, उसको ड्राई करके डिहाइड्रेट करके एक पैकेज किया जा सकता है एयर टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट पैकेट्स में, और फिर वो जब आप उसको दोबारा निकाल के पकाने के लिए हांडी में डालेंगे तो वो दोबारा हाइड्रेट होके उसी तरह ही वो सब्जी या फल कन्वर्ट हो जाएगा जैसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है। तो इस तरह आपको जो ऑफ सीजन की रिक्वायरमेंट्स है वो बाहर से इम्पोर्ट करने की बजाय आप अपनी लोकल एक ज़रूरत के लिहाज से उसको पूरा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें फ्रोजन की हमने बात की थी कि जहाँ पे ये एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता जाऊँ। ये जो आप बात कर रहे हैं कि आप हॉर्टिकल्चर की फल और फ्रूट की बात कर रहे हैं तो उसमें इसमें एक चीज़ ऐड करते हुए मैं थोड़ी सी बात और करूँगा कि यहाँ पे क्योंकि हम यूके में रहते हैं और यूके में बहुत सारा सामान जो सा है वो फ्रोजन फॉर्मेट में आता है। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ्रोजन फॉर्मेट पे काम हो रहा है या अभी काम होने वाला है, या क्योंकि पाकिस्तान में वैसे बिजली की कमी है तो मेरे ख्याल में उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है शायद इसलिए लोग उसमें नहीं जा रहे, एक ये बात। दूसरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस सारी बात में कि जिस पर आप बात कर रहे हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल यूके में बैठा हुआ कोई भी इन्वेस्टर इसमें जाना चाहता है तो आपकी बात से मुझे ये बात अगर मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि अगर वो जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पाकिस्तान में ही इतनी सप्लाई उसकी बढ़ सकती है कि उसे पाकिस्तान से बाहर आगे बिजनेस करने की जरूरत भी ना हो, पहले तो पाकिस्तान की डिमांड ही पूरी करे और उसमें भी उसको एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। सो ये नहीं कि ज़्यादातर लोग जो यूके बेस या पूरी दुनिया में मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करता हूँ कि आप नॉर्मली जाते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए स्पेशली फूड से रिलेटेड, तो उसमें ज़्यादातर आपकी कोशिश ये होती है कि आप वहाँ से चीज़ें लेके यहाँ पे आके बेचें। लेकिन इस फील्ड में जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी वहाँ की पाकिस्तान की डिमांड थी पूरी नहीं होती स्पेशली जब ऑफ सीजन होता है, अगर उसको प्रोसेस करके रखेंगे उसको सारा कुछ करेंगे, अगर यहाँ के इन्वेस्टर्स जाके वहाँ पे प्रोसेसिंग की भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको वहाँ की लोकल मार्केट में ही प्रोसेसिंग के साथ चीज़ें और स्टोरेज उसकी आगे फील्ड खुलती जाती है तो आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं रादर देन ब्रिंग इन आउट ऑफ द कंट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से ला नहीं सकते, सो मैं यही आपकी बात थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा क्लियर इसलिए किया है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, क्योंकि आप पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं
मैं यहाँ के लोगों के माइंडसेट को समझता हुआ तो मैं बीच में कोई ना कोई नुक्ते देता रहता हूँ, तो प्लीज इस पर आप बात कीजिए। नहीं जी, थैंक यू, बिल्कुल ये क्लैरिटी प्लीज हेल्प कीजिए कि हम अपनी ऑडियंसेस तक सही तरीके से और क्लैरिटी के साथ पहुंच सकें। एब्सोल्युटली आपने सारी बातें दुरुस्त की, ना सिर्फ ये कि हम लोकल मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक डिमांड उसकी मौजूद है सब चीज़ों में, पल्प के हवाले से वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसक्रीम की इंडस्ट्री है उसमें कंज्यूम हो जाता है, डिहाइड्रेशन के हवाले से हम बाकायदा मतलब यहाँ पे जो पिज्जा और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिसमें डिहाइड्रेटेड टमाटोज डलते हैं या और चीज़ें डलती हैं वो हम बाहर से इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में टमाटर उगाना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमारे अपने मुल्क में उगाए जा सकते हैं। तो वो इसी तरह आपने बात की फ्रोजन की, तो उसमें भी चंद कंपनियां, एक दो कंपनियां मुझे पता है, फौजी फ्रेश एंड फ्रीज के नाम से, तो बहरहाल एक कंपनी जिससे मैं खुद वाकिफ हूँ वो फ्रोजन पैकेट्स बना के पाकिस्तान के अंदर ही सब्जियां जो भी होती हैं उनको क्विक फ्रोजन करके तो वो रिटेल में यहाँ पे बड़े बड़े तमाम स्टोरों पे अवेलेबल होती है, लोग खरीदते भी हैं खाते भी हैं। अब चंद इसकी एग्जांपल्स अगर और लेना चाहे तो हमारे मुल्क में सेब जो है वो भी रेफ्रिजरेट किया जाता है, हमारे मुल्क में आलू जो है उसको फ्रीज किया जाता है, तो ये काम कुछ ना कुछ हो भी रहा है, लेकिन मतलब आलुओं को छोड़ के विच इज़ एन एक्सेप्शन, आप यकीन कीजिए कि इसमें हम शायद बिल्कुल ऑन द सरफेस को ही अभी तक स्क्रैच कर सकें, स्कोप बहुत ज़्यादा है लोकल डिमांड के हवाले से, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के हवाले से भी, और एक्सपोर्ट तो मतलब जिस वक्त हम एक दफ़ा इंटरनेशनल मंडियों में ले गए अपने उसको तो उसमें तो स्कोप फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल मैं ये इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि ये तीनों चारों जो वैल्यू एडिशन के तरीक़ेकार हैं इनकी लोकल मंडी मौजूद है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के हवाले से, लोकल डिमांड के हवाले से, प्लस एक्सपोर्ट की पोटेंशियल भी सब में बहुत ज़्यादा मौजूद है, और ना सिर्फ ये कि मंडी है बहुत बड़ी, जो इसकी सबसे एक्सेप्शनल और अट्रैक्टिव बात है कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया कि पिछले 10 सालों में हर साल एवरेज 10% इंक्रीज हो रहा है इन चीज़ों की इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, तो एक ग्रोइंग मंडी है, एक फलती फूलती मंडी है, तो वो भी इसकी चीज़ है। इसमें दो चीज़ें आप और ऐड कर लें ताकि फिर हम आगे जा सकें, वो है असेंशियल ऑयल्स, ये जो खुशबू या अतर जिसे आप कहते हैं, ये मिंट से, चमेली से, मतलब पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे फूल हैं, अरोमेटिक फूल और हर्ब्स हैं जिनसे हम ये इसका अतर निकाल के जो है, एक तो उसकी लोकल मार्केट मौजूद है हमारे पास, ये डोमेस्टिक मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है, हम दर्द और इस किस्म की कंपनियाँ इन चीज़ों को परचेज करके फिर उनकी फर्दर प्रोडक्ट्स डेवलप करती हैं, कृषि एक बड़ा बायर है, हमदर्द एक दूसरा बड़ा बायर है, लेकिन इसकी दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, परफ्यूमरीज में परफ्यूम बनाने वाले जो यूरोपियन है, मिडल ईस्टर्न है, वो इसकी डिमांड करते हैं। इसमें ये जो आपने इसकी बात कर रहे हैं बाबा, मैं थोड़ा सा ऐड करते हुए आपकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ, तो इसमें भी प्रोसेस लगाने की जरूरत है, ये थोड़ा सा हल्का और तरह की चीज़ है, ये भी प्लांट्स लगाने की या ये इस तरह की सिचुएशन है कैसी जी, थोड़ा सा उसके ऊपर बताएं। ये भी इसी तरह निकाला जाता है, इसकी दुनिया में 3-4 टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, एक वो हीट ट्रीटमेंट बॉयलर के थ्रू वो इस्तेमाल करके वो निकाला जाता है, जो कि थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसमें रिकवरी रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर कोल्ड प्रेस का तरीक़ेकार है जिसमें वो उसको प्रेस करके जो है वो एक खास टेम्परेचर पर ठंडक के साथ उसको निकाला जाता है, तो इसमें भी 3-4-5 टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अवेलेबल है। पाकिस्तान में क्या इस पर काम हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप एक ऐसी फील्ड की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो सा है इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान में मशीनरी मौजूद है या ऑब्वियसली किस तरह की मशीनरी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे इक्विपमेंट जो शायद पाकिस्तान में भी नहीं है पूरी दुनिया में अवेलेबल होते हैं, जाके लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट जैसे आप, मैं बीच में फिर गवर्नमेंट आऊँगा कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कोई जो अभी अर्ली ऑन हम शुगर की बात कर रहे थे, कोई इतनी हॉट लाइसेंसिंग का इशू भी नहीं है, गवर्नमेंट वैसे ही आपको इनकरेज कर रही है, तो मैं नहीं चाह रहा कि हमारी जो पिछली हमने शुगर के हवाले से बात की तो लोग शायद समझें कि यहाँ भी स्पेसिफिक लोगों को लाइसेंस मिलेगा तब वो काम करेंगे, ये वो जगह है जहाँ पे लाइसेंसिंग का इशू भी नहीं है और मार्केट बहुत ब्राइडर है और उसमें बड़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है, आप यही बात कर रहे हैं या कुछ हट के बात कर रहे हैं?
जी एब्सोल्युटली। सो जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है इन तमाम शोबों में जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल कोई लंबी चौड़ी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा जो हमारा टैक्स सर्टिफिकेट आप ले लें अपनी कंपनी के नाम पे, कंपनी बना के, तो उसके बाद आप इस कारोबार में एंटर हो सकते हैं। किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी सप्लाई बेस पाकिस्तान में मौजूद है। तमाम वो चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बड़ी इजीली मौजूद भी हैं और मजीद भी उगाई जा सकती हैं ज़रूरत अगर बढ़ जाए। और इसकी मंडियां मार्केट लोकल पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और इंटरनेशनल भी अवेलेबल है, तो इसी लिहाज से हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि इनकी फिजिबिलिटीज़ जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, आप गूगल करके उसका वेबसाइट देख सकते हैं, agripunjab.gov.pk, उसके ऊपर ये फिजिबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं। और ये एक्सेप्शनली रिवॉर्डिंग फील्ड्स हैं, यानी कि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न, उन फिजिबिलिटीज को आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक्सेप्शनली बेहतर है कंपेयर टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज। तो ये सारे वो बिजनेसेस हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी फ्रेंडली हैं, सप्लाई चेन भी ठीक है इसकी, मंडियों तक भी रसाई है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो वो ये है कि आप आए, टेक्नोलॉजी कुछ पाकिस्तान में भी बनाई जा सकती है या बाहर से लेके आए और ला के लगाएं और उसको एक प्रोसेस करके उस बिजनेस में एंटर हो। मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ कि हमारे मुल्क में, बल्कि मेरे जहन में सवाल भी था जो मैं आपके इसी इसी एंगल में कर भी लेता हूँ। हमारे मुल्क में वो क्या कहते हैं, लोगों की एक तरह से भेंट चाल है, ठीक है, कि जो जिधर शुरू हो जाते हैं उधर शुरू हो जाते हैं। हालांकि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे अपनी हमारी मार्केट में भी डिमांड है, लेकिन हमारे लोग कुछ ज्यादा लकीर के फकीर हैं। अगर कोई गंदम उगा रहा है तो गंदम, कोई शुगर लगा हुआ है तो शुगर लगा है, कोई चावल लगा हुआ है तो चावल लगा हुआ है। वो दूसरी तरफ जाने के लिए या उनके पास एक नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज नहीं है तो वो उस पर हाथ नहीं डालते। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल उस पर काम भी करना चाह रही है और उस पर काम हो भी रहा है, लेकिन ये वो फील्ड है अनफॉर्चुनेटली, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उनको भी आंखें खोलनी चाहिए कि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो लोग भी उसमें से एक अच्छी प्रॉफिटेबल बिजनेस। कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग वो जो कहते हैं, अगर किसी ने क्या कहते हैं फूड चेन खोल लिया, मैकडोनल्ड खोल लिया, तो हर बंदा जो है मैकडोनल्ड के पीछे भाग रहा है, और अगर किसी ने KFC खोल लिया तो KFC के पीछे भाग रहा है। हालांकि ये वो चीजें हैं जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी है और आप अच्छा खासा मुल्क को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे जहन में एक सवाल था, क्योंकि मैं डिस्कशन को कहीं कहीं और लेके नहीं जाना चाह रहा। ये मुझे बताएं, ये जो आप कह रहे थे कि 10 या 15% ग्रोथ है पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर की साइड पे, उसी पे बात कर रहे हैं हम, दुनिया में, दुनिया में, अच्छा दुनिया में, पाकिस्तान में ये लोग ज्यादा क्यों नहीं लगाते? दो, क्या हमारी हमारा जो वेदर है वो सूट नहीं करता, या कहने का मतलब है कि लोगों की अवेयरनेस नहीं है, क्या आप क्या देखते हैं इसको? जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं और मैं डेफिनेटली सारे फैक्टर्स को शायद इस वक्त जहन में भी नहीं ला सकूंगा, लेकिन मैं चंद फैक्टर्स जो मेरी मेरी नज़र में मेरे सामने आए हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर तो वही है कि वो जो आपने बात की कि चंद एरियाज, चंद चीज़ें मशहूर हो जाती हैं तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना शुरू कर देते हैं। एक ज़माने में जी ये था कि पेट्रोल पंप लगा लो तो सब लोगों ने पेट्रोल पंप लगा लिए, फिर लोगों ने कहा जी CNG लगा लो तो सब ने CNG लगा ली, फिर लोगों ने कहा जी निकालो उसमें से पैसे तो बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दो और प्लाजे बनाने शुरू कर दो, तो सब लोगों ने प्लाजे बनाने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे ये चीज़ें होती गई वैसे वैसे ज़मीन की कीमत प्लाजे बनाने के लिए भी उसी लिहाज से बढ़ती गई और वो आम आदमी की पहुँच से दूर होता गया वो बिजनेस। तो एक तो ये वाली बात है कि एक हम एक आधा फार्मूला पकड़ लेते हैं और फिर सारा मुल्क जो है उसके उसी डायरेक्शन में चल पाता है। लेकिन इसके अलावा मेरी नज़र में जो दूसरी वजह है वो चंद वजूहत जो और हैं, एक तो ये कि कुछ इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं थी। ये जो फिजिबिलिटीज़ मैंने जिनका आपको बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, ये आज से कुछ साल पहले जब मैं वहाँ उनके साथ काम कर रहा था तो हमने ही बनवा के वहाँ पर अपलोड करवाई थी। उससे पहले
ये इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी। अगर कोई इन्वेस्टर का कहीं से सुन सुना के पहुंच भी जाता था कि जी मैं एसेंशियल ऑयल पे काम करना चाहता हूँ, तो उसको बुनियादी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होती थी कि यार कहाँ से मशीन लेनी है, कौन सी मशीन लेनी है, कितना खर्चा आएगा, कैसे मार्केटिंग करनी है। वो अब इंफॉर्मेशन हमने सारी अवेलेबल कर दी है, तो ये एक एक वजह थी। फिर हमारे मुल्क में तीन चार चीज़ें और भी ख़राब रही, जैसे टेररिज्म का इशू था, तो वैसे ही हमारे अपने लोग जब जाके अपनी मिले बांग्लादेश में ले गए और दूसरे मुल्कों में ले गए कि यार यहाँ पे तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट ही नहीं है, अब इंटरनेशनल बायर आने को तैयार ही नहीं है, वो हमारे जब लोग उठा के पैसे दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे थे और यहाँ वो सेफ फील नहीं करते थे हमारे अपने इन्वेस्टर, तो फिर हम बायर वालों को कैसे इन्वाइट करते, तो वो भी अब इम्प्रूव हो गई है। फिर बिजली का एक प्रॉब्लम आ गया है कि बिजली महंगी और दूसरा अवेलेबल भी नहीं होती थी, तो वो मसला भी किसी हद तक अब दूर होता जा रहा है, बिजली अब अवेलेबल है। फिर जो आपकी जो इनकी जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी प्रीवियस गवर्नमेंट की, वो हमने पिछले प्रोग्रामों में डिस्कस किया कि जिस तरीके से आर्टिफिशली रुपए को 100 रुपये पर एक डॉलर के रेट पे आर्टिफिशली मेंटेन किया हुआ था, तो वो फील गुड तो बड़ा होता था कि जी हमारा स्टेबल है हमारा रुपया, लेकिन वो आर्टिफिशियली जब उसको स्टेबलाइज किया हुआ था तो उसका नुकसान ये होता था कि इम्पोर्ट सस्ती थी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग महंगी थी, तो आपको लोकल मैन्युफैक्चर को वैसे ही आपने एक डिसइंसेंटिवाइज किया हुआ था कि वो मैन्युफैक्चर करे। आसान नहीं है कि यार लाख रुपए की चीज़ बाहर से कंटेनर आ जाए खोल के आगे बेच दो, वर्सेज ये कि पहले उसको खरीदो फल को, फिर लेबर को मैनेज करो, प्रोसेस करो, बिजली के बिल अदा करो, बनाओ, बना के स्टोर करो, फिर बेचो। तो वो लोगों को एक इजी मनी के हवाले से वो इंटरनेशनल इंपोर्ट का एक शौक हमने अनफॉर्चुनेटली डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग सारे मुल्क से वाइप आउट हो गई और हम जो है ना इंपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी की तरफ चले गए। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कम अज़ कम मेरी राय में इनकी अहमियत है, हो सकता है कुछ चीज़ें शायद मैं मिस भी कर दिया हूँ। बाबा साहब इसमें एक बात और मैं ऐड करूँगा, जैसे आपने यानी ऑयल्स की बात कर रहे थे आप, तो दुनिया में बल्कि अगर आप कहीं भी चले जाएं तो ऑलिव ऑयल जो उनसा है वन ऑफ द बेस्ट ऑयल सीम्स टू बी। लोग खाने में कहते हैं कि जी आप ऑलिव इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, बिकॉज इज द बेस्ट, इसमें हर तरह की क्या कहते हैं इस ऑयल में स्ट्रेंथ है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में पिछली दफ़ा मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी, स्पेशली जो पाकिस्तान के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ये ऑलिव बड़े आसानी से ग्रो हो सकते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त उसकी यानी कि रिटर्न मिल सकती है। और अगर आपको पता हो कि जो उर्दुगान क्या टर्की जो सा है वो इंडिया से बहुत बड़ी तादाद से ऑलिव मंगवाता था, और एक पता नहीं एक मिलियन डॉलर की, आप मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी जो एक्चुअली ऑलिव टर्की इंडिया से मंगवाता था। तो आज जारी बात है टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं हमारे मुल्क के, तो हमें चाहिए कि ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है ऑलिव पे काम किया जाए। पूरी दुनिया में ऑलिव जो है इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव ऑयल, लोग उसको ज्यादा पैसे दे के लेते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है सर्टन एरियाज जो हमारे पाकिस्तान में स्पेशली पहाड़ी इलाके हैं, बलूचिस्तान हो गया, केपीके हो गया, या इस तरह के बहुत सारे इलाके, वहाँ पे सर्टन चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, यानी कि नेचुरली ग्रो करती हैं, सिर्फ लोगों को एजुकेट करने की बात है। सो बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। अब मैं चाहूँगा कि आपने एक तरह से इसका रिकैप हो गया, बल्कि अच्छा खासा रिकैप हो गया, कल को अगर हम दोबारा भी कभी इस पर बात करेंगे कोई और बंदे के जहन में पॉइंट आ जाता है वो बंदा का बात कर लेता है। अब आपके पास, क्योंकि आप बात कर रहे थे कि लाइफ स्टॉक के बारे में, लाइफ स्टॉक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलिएगा कि लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी फिर किसी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में ना फंस जाए, हालांकि यहाँ के लोग समझते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान के देखने वाले लोग भी हैं उनको भी समझ आए कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो है ही सही, इवन पाकिस्तान में भी इस पर काम किया जा सकता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए जी। जी बिल्कुल, मैं उससे आपकी बात से जो ऑलिव वाली आपने की उस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद
आगे हम लाइफ स्टॉक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। केपी गवर्नमेंट ने और आपकी जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसके जो बारानी एरियाज हैं अटक और ये रावलपिंडी और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो केपी के साथ अलाइंड हैं, यहाँ पे तकरीबन चंद साल पहले, 4-5 साल पहले तकरीबन 8,000 से 12,000 एकड़ बढ़ते जा रहे हैं। मैं रेंज इसलिए दी कि 8,000 कुछ साल पहले थे, उसके बाद वो मजीद लगते गए। तो एक बाकायदा स्कीम के तहत एक सब्सिडी दे के यहाँ पे फार्मर्स को ऑलिव की जो पौधे हैं वो दिए ड्रिप इरिगेशन के साथ, और वो यहाँ पे 8 से 12 हज़ार एकड़ इस वक्त जो है हमारे ऑलिव लग चुके हुए हैं पंजाब के अंदर, और इतने ही एकड़ जो है वो केपी प्रोविंस में भी ऑलिव की प्लांटेशन हो चुकी हुई है। मुझे याद है 2018 की बात है कि पहला जो फल है पंजाब की, मैं बात कर रहा हूँ जो पंजाब के ऑलिव्स हैं उनका पहला फल, क्योंकि वो तीसरे चौथे साल में फल देना शुरू करता है एक पौधा, तो वो जो पहला फल है वो 2018 में लगना शुरू हुआ था। फिर उसको यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया हुआ है बरानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे फिर उस फल को लाया गया, फार्मर्स लेके आए यहाँ पे, उन्होंने एक ऑयल प्रेस लगाई हुई थी, फार्मर ने अपने जो ऑलिव्स हैं उससे तेल निकाला, इसको एडिबल ऑयल कहते हैं, एडिबल ऑयल निकाला, ऑलिव के जो पत्ते हैं उससे चाय बड़ी अच्छी बन जाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, उसका जो केक है यानी कि उसके जो तेल निकालने के बाद जो गूदा सा रह जाता है वो इस्तेमाल हो जाता है मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और इस किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये काम ऑलरेडी एक शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें भी ज़रूरत उसी चीज़ की है कि इस वक्त कोई भी प्राइवेट सेक्टर में ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट जो है वो मौजूद नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर आए, कम से कम एक प्लांट लगने की कैपेबिलिटी आज भी मौजूद है, एक अच्छे साइज का मिडिल साइज का प्लांट लगाने की कैपेबिलिटी आज भी मौजूद है, और बड़ी जल्दी जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, जब एक दफ़ा पौधा फ्लोटेशन पे आता है तो फिर बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करता है उसकी प्रोडक्शन को, तो वो बड़ी जल्दी जो है वो 1 से 2, 2 से 3 ऑलिव एक्सट्रैक्शन ऑयल एक्सट्रैक्शन के जो प्लांट्स हैं वो उनकी जरूरत बनती जाएगी यहाँ पे। तो बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत है, और पाकिस्तान एज ऑफ नाउ इज एन इम्पोर्टर ऑफ ऑलिव ऑयल, हम दुनिया से इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे पहले तो हमने अपनी मार्केट में ही उसकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है और फिर एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। वन ऑफ द बेस्ट ऑयल को देखे ना, वैसे भी तो पाकिस्तान में हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और हम बहुत सारे लोग एक्चुअली रियलिटी में अगर इसको कॉमन सेंस में देखें तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ऑयल को इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में डिटेरिएट कर रहा होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है लोग, इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े से रिच लोग हैं, यानी कि ये एक्चुअली गरीब आदमी देहातों में तो खैर लोग देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो खैर उस हिसाब से कोई और बात हो जाती है, लेकिन यह है कि जो ऑलिव ऑयल है इज वन ऑफ द बेस्ट, जो अभी तक हम यूके में बैठे हुए हैं हमें कहा जाता है कि जी डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं, ये जितने भी लोग हैं जो आपको कभी आपकी डाइटिंग का मसला, तो वो कहते हैं आप ऑलिव इस्तेमाल करें, और आपको शायद अंदाजा नहीं कि यहाँ पे जो इंग्लिश लोग हैं वो यहाँ पे जार में उन्होंने ऑलिव सिरके में डाल के रखे होते हैं और वो लोग मजे से खाते हैं, इतने कड़वे होते हैं या इतने तुर्श होते हैं कि एक आधी दफा मैंने ट्राई किया था तो मुझे बड़ा तकलीफ, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, टेस्ट बड़ और तरह के, लेकिन लोग बड़े शौक से खाते हैं, और मेरे ख्याल में वो खाते ही इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ये एक तरह से इस तरह की ऑयल को बढ़ाना, अपने मुल्क में भी डिमांड पूरी करना और उसमें एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप जो हमारी हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्या पता आप उसमें 5-10% हेल्थ को सब्सिडाइज कर रहे हो या लोगों को तकलीफों से निकाल रहे हो, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव थिंकिंग। मेरे जहन में एक और बात आ गई, कहीं और चली जाएगी, मैं वैसे क्विकली बता देता हूँ कि यहाँ पे अक्सर मैं डिफरेंट चैनल सुनता रहता हूँ, तो यहाँ पे इनकी जो नेशनल हेल्थ है, मैं थोड़ी सी एक रिसर्च बताने लगा हूँ आपको, जब काम किसी थिंकिंग कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पे काम किया जाए या हर चीज को उसको प्रॉप किया जाए तो बहुत सारी चीजें, मुझे एक बात याद है कि यहाँ पे यूके में नेशनल हेल्थ एजेंसी है
उसके ऊपर बहुत बोझ है। हमेशा गवर्नमेंट जो है, ये टोरी गवर्नमेंट आई है, उसने कट लगाया या जो भी किया, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ नेशनल हेल्थ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, तो बहुत यानी कि प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें उनकी एक रिसर्च थी कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग बूढ़े हैं और ज्यादातर एंग्जायटी के शिकार हैं या डिप्रेशन के शिकार हैं, तो इधर वो क्या करते थे, उठा के 999 कॉल कर देते थे तो एम्बुलेंस आ जाती थी, उनको ले जाती थी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए। और उन्होंने जब उसका डेटा कलेक्ट किया तो उसमें 80-90% लोग जो उनसे थे, क्योंकि वो एंग्जायटी और डिप्रेशन के शिकार थे, प्रॉब्लम उनको कोई नहीं थी, ठीक है, तो उनको एम्बुलेंस जाती उठाती हॉस्पिटल में जाती चेकअप होते फिर वो जाते। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला कि उन्होंने जो भी उस फील्ड की, अगर उसके वो 4 या 5 मिलियन पाउंड उनका लग रहा था, तो उन्होंने 3-4 मतलब 10-20 ऐसे लोग ऑफिसर बना लिए कि बिफोर ये लोग फोन करें वो ऑफिसर्स उनके घर पहुंच जाते थे। और उनको होता ये था कि वो उनको प्रॉब्लम कोई नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा उनको एक क्या कहते हैं मॉरल सपोर्ट सारी बात करने की। उन्होंने सर 5 मिलियन पाउंड पर ईयर बचाना शुरू कर लिया, क्योंकि जो लोग इतनी ज्यादा एम्बुलेंसों को फोन करते थे तो उन्होंने वो बचा लिया, क्योंकि एम्बुलेंस चला उसका पूरा खर्चा उसकी, तो उन्होंने ऑफिसर हायर करके वो जो बूढ़े लोग उनके पास डेटा आ गया उनके पास वो ऑफिसर चले जाते थे, तो उनको सेटिस्फाई भी हो जाते थे और वो बचत हो जाती। ये इसी तरह की बात है कि आप अगर ऐसी इंडस्ट्री में पैसा लगाएं जो आपकी हेल्थ को भी ठीक करती है, मैंने इस तरफ आउट ऑफ बॉक्स की बात किया है, अगर कोई अक्लमंद बंदा या कोई रिसर्च बेस्ड बात करेगा तो इस तरह की चीजें ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए असेंशियल है, इतनी बड़ी आबादी है तो इस पर बिल्कुल गौर करना चाहिए। तो मैं अपने रॉ में चला गया, तो मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि हम आ जाएं जरा सा लाइव स्टॉक की तरफ आ जाए सर। जी लाइव स्टॉक जो है इसकी अगर डेफिनेशन आप लें तो तमाम वो चीजें जो किसी जानवर की पैदावार जो कि इंसान जिसको कंज्यूम करता है उस चीज को हम लाइव स्टॉक एक ब्रॉडली उसकी डेफिनेशन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें अगर बड़ी बड़ी 2-4-5 आइटम्स की बात की जाए तो जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो दूध ऑब्वियसली हमारे यहाँ गाय भैंस बकरी इन सब चीज़ों का दूध मिल्क जो है ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है मिल्क की। उसके बाद मीट गोश्त ये पोल्ट्री से लेके और गाय बकरा वगैरह ये इसका गोश्त, और उसके अलावा पोल्ट्री इंडस्ट्री इसकी दूसरी तीसरी फॉर्म है जिसमें गोश्त भी है और अंडे भी हैं। तो ये मतलब प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो लेदर की तरफ भी निकल जाते हैं और भी बहुत सारी लाइंस निकल आती हैं। शुतुरमुर्ग का गोश्त भी पाकिस्तान में अब प्रोड्यूस हो रहा है और वो चंद लोग कर रहे हैं और वो मिडल ईस्ट की कुछ मुल्कों में जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो आम इस्तेमाल की हमारी 4-5 चीज़ें हैं जो मेन वैल्यू चेन्स हैं वो मिल्क मीट एंड पोल्ट्री इन ये तीन है। अगर इनकी इनकी थोड़ी सी हम इसको एनालिसिस करना शुरू करें तो पोल्ट्री बीइंग द ओनली एक्सेप्शन, पोल्ट्री एक एक्सेप्शन है जहाँ पे हमारे मेयार हमारा स्टैंडर्ड हमारी टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी हुई हैं और इस इंडस्ट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी हुई है, हमारे एनवायरमेंट कंट्रोल पोल्ट्री शेड जो है वो काफ़ी सारे लग चुके हुए हैं पूरे पाकिस्तान में उनका स्प्रेड है और वो अंडे के हवाले से भी और गोश्त के हवाले से भी वो एट पार है दुनिया की प्रोडक्शन के हवाले के मुकाबले पे है। तो उसको छोड़ के जो हमारी मीट है और हमारी मिल्क है वो हम यील्ड के हवाले से भी दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। मतलब अगर हमारा एवरेज जो दूध है वो 6-7 किलो है, हमारे देहात में रहने वाला एक फार्मर जो एक गाय या एक भैंस या 2 या 3 चंद 8-10 तक ले जाते हैं छोटे साइज के जो फार्मर हैं, अगर उनकी बात करें तो वो एक जानवर से 6-7 किलो इस बेसिस पे लेते हैं। इसके मुकाबले में जो एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो इससे 4-5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी काउज रखी हुई है जो मेरे ख्याल में 6 किलो की बजाय 20 किलो या 22 किलो या 25 किलो,
से भी ज्यादा देखते हैं। तो जो मैं पॉइंट यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो ये एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, ये दुनिया की ब्रीड्स हैं जिनको हम इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करके यहाँ पे फिर उनको दोबारा भी उनकी ब्रीडिंग की जाती है, लेकिन इनके अंदर इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे देहात की एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते। इनके लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड बनाना पड़ता, जिस तरह पोल्ट्री में लोग चले गए उस तरह आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट रखनी पड़ती है, एक एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड बनाना पड़ता है इनको खास। आप जो बात कर रहे हैं मैं थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए आसान बना लूं। आप ये कह रहे हैं कि पोल्ट्री जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी आगे मॉडर्न पे हो गया, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही है के लोगों ने उसमें काम किया है, और जैसे आप कह रहे हैं कि पोएट्री करने के लिए भी आपको उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड होती है। जैसे लोग नॉर्मली घर में लोगों ने देसी मुर्गियां पाली हुई हैं वो एक और चीज है, लेकिन यह है कि अगर आपने एक मास प्रोडक्शन करनी है तो आपको उसके बहुत सारे SOPs या आपको उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा काम हुआ है तो इसमें बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। वैसे तो हमें सुनने में आया है कि मिल्क इंडस्ट्री और पोएट्री इंडस्ट्री कंट्रोल्ड बाय दी शबाज शरीफ फैमिली, तो अभी तो शायद वो शाकल भी टूट जाएगा। तो जो एक तरह से उन्होंने एक पंजे गाड़े हुए थे, हर इंडस्ट्री में किसी लोगों को काम नहीं करने देते थे, इस तरह की स्टोरियां हमने बहुत सारी सुनी है मिल्क पैक के हवाले से, जो यहाँ पे लोग थे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे फिर किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया गया, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी सियासी फैमिलियां थी पावर में थी तो ये लोगों को बुली करते थे। तो मेरे ख्याल में वो टाइम भी जा रहा है, यानी कि दरवाजे बहुत सारे खुल रहे हैं वहां पे भी नॉर्मली, हालांकि लाइसेंसिंग इशू नहीं था लेकिन यह कि उधर बदमाशी चलती थी या और बहुत सारी चीजें थी वो हमें पता है। मैं आपसे वो सियासी सवाल फिर नहीं करूंगा क्योंकि ये आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल उससे रिलेट कर रहा हूँ कि इस जगह में भी एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी जैसे आपने की प्रॉप हो चुकी है, लेकिन फार्मिंग में जो आप कह रहे हैं कि ये जो बड़ी मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज हैं तो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए। वैसे मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में नॉर्मली गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ये जिन काउज की आप बात कर रहे हैं स्पेशली, मैं तो इंग्लैंड में ही कह सकता हूँ, तो यहाँ कंपैरेटिवली ठंडा मुल्क है, तो क्या ये काउज जो अभी पाकिस्तान में हैं क्या वो बर्दाश्त कर रही हैं या उनके लिए एक प्रॉपर ठंडे कोई एसी वेसी लगाने पड़ते हैं या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन है, जो हमारा एक गरीब फार्मर है जो एक या दो या मे बी आपको 10 एनिमल रख के एक अपना फार्म चलाता है देहात के अंदर, वो तो यहाँ पे जो लोकल ब्रीड्स हैं उनपे वो उन्हीं पे उनका उनपे डिपेंडेंट है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो इन लोकल ब्रीड्स की प्रोडक्टिविटी हम उस तरीके से इंक्रीज नहीं कर सके। ऑल्दो चंद प्रोग्रेसिव फार्मर जो लोकल ब्रीड्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे हैं उनकी जानवर बेहतर हैं इन कंपेरिजन टू हमारा जो एवरेज फार्मर है, लेकिन इसमें जो रेवोल्यूशनराइज किस्म की जो इम्प्रूवमेंट आई है और बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है वो है इम्पोर्टेड ब्रीड ऑफ काउज, जो है वो बाहर से ला के यहाँ उनके फार्म्स बनाए जाते हैं और फिर उनको जो है उनसे वो एक मिल्क की प्रोडक्शन ली जाती है, और जैसे मैंने आपको कहा कि 4 से 5 गुना उनकी जो दूध की मकदार है डेली बेसिस पे वो ज़्यादा है। लेकिन ऐसे जानवरों को पालने के लिए आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, एक एनवायरमेंट कंट्रोल्ड एनवायरमेंट शेड बनाना पड़ता है, एसी तो नहीं उसमें लगते लेकिन जिस तरह पोल्ट्री के अंदर भी ना आपको हवा का एक फ्लो बनाना पड़ता है, आपने वो एयर पैड्स लगाए होते हैं उसमें से जब हवा गुजरती है वो ठंडी हो जाती है, और इस तरह पूरे आपका जो एक पोल्ट्री शेड के अंदर जब आप जाते हैं तो वो पूरे पोल्ट्री शेड की जो हवा है उसको पूरे तरीके से उन्होंने बंद करके उसको कंट्रोल किया होता है। तो इसी तरह आपको यहाँ इन जानवरों को भी खास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, इनको इनकी वैक्सीन जो है वो भी अवेलेबल ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेड होती है वो भी यूज़ करनी पड़ती है, इनको फीड जो है वो भी आपको कमर्शियल खरीद के जहाँ पे कुछ नॉर्मल इनकी जो फीड के अंदर जो चारा वगैरह है जो लोकल ग्रो किया जाता है उसको छोड़ के इनको फीड भी जो है वो कमर्शियल फीड कई दफ़ा खरीद के साथ सप्लीमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इन तमाम इनपुट्स की कॉस्ट
मोर देन जस्टिफाई हो जाती है क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें दूध की शॉर्टेज है, बावजूद इसके कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन बेस हमारे देहातों में मौजूद है। अब आके कुछ चंद प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने और कुछ कॉर्पोरेट फार्मर्स ने, स्मॉल एंड मीडियम एंड कॉर्पोरेट फार्मर्स ने इंपोर्टेड काउज में भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, बावजूद इसके आपको डिहाइड्रेटेड मिल्क, जो डब्बे वाला खुश्क मिल्क होता है, ये इम्पोर्ट अच्छी खासी मकदार में दुनिया से इम्पोर्ट किया जाता है और फिर इम्पोर्ट करके उसको लोकल डिमांड को मीट किया जाता है। तो मेरी नज़र में किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने, हम अभी बाकी इंडस्ट्रीज की तो बाद में बात करेंगे जो इससे आगे वैल्यू चेन है, लेकिन फार्मिंग के अंदर भी एक एक अपॉर्चुनिटी जो है वो खास तौर पे दोनों तरफ इसकी मीट, एक हाई यील्ड मीट के जो फार्म्स हैं गोश्त बनाने के लिए जो जानवर रेस किए जाते हैं, और हाई यील्ड मिल्क के जो फार्म्स हैं, क्योंकि ये बड़े, इसके लिए बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए होता, यही है कि आपके पास जो है ना दो दो मुरब्बे ज़मीन हो तो तभी आप एक अच्छे फार्मर या वाइबल फार्मर होते हैं, ये एक छोटे से एरिए में आप इसको सेटअप को लेके चल सकते हैं मुनासिब एरिए में। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो मेरी नज़र में की जा सकती है कि जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जॉटिक ब्रीड्स के ऊपर गोश्त और दूध के हवाले से आप इन्वेस्ट करें और इसकी रिटर्न जो है मेरी नज़र में काफ़ी बेहतर है। फिर आगे जब हम इसकी वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि ड्राइड मिल्क हम इम्पोर्ट करते हैं तो वो लोकल भी उसकी डिहाइड्रेशन की जा सकती है। ऑलरेडी हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है लेकिन बहुत सारा स्कोप और अवेलेबल है चीज़ बटर क्रीम के हवाले से। हमारी जो लोकल बफलो है ये एक, इसका जो दूध है एक स्पेशलिटी है दुनिया में, ये बफलो जिस तरीके से नहीं है, तो एक खास प्रीमियम ब्रांड के तौर पे आप बफलो क्रीम, बफलो आप ये कह रहे हैं, मैं बल्कि आपने मेरे जहन में सवाल खड़ा कर दिया, बल्कि मेरे जहन में बड़ी दिनों से था क्योंकि आपका इस फील्ड से ताल्लुक है। जैसे जो बासमती राइस होते हैं जिसको प्रॉपर बासमती राइस कहते हैं, वो हमें पता है कि एक किले में मेरे ख्याल में अगर बहुत अच्छा किला होगा तो 10-12 मन निकालेगी या 8 मन निकालेगी या 9 मन निकालेगी, जबकि वहां पे थोड़ा सा ईरी या कुछ थोड़ा सा ऐसा चावल निकालो तो 50-60 मन 60 मन निकालेगी। तो मेरे कहने का मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में जो काउज हैं ये थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि हमारे मुल्क में है कम है, तो इनको आप ये कह सकते हैं कि आप बेशक इनको ब्रीड करें और इनको आप स्पेशल ब्रीड के तौर पे रखें, इनकी क्वालिटी बेटर है, आप ये कहना चाह रहे हैं ये जैसे बासमती चावल वाला साहब है? नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसमें डिस्टिंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। काउज जो है वो हमारे यहाँ पे साहिवाली नस्ल की काउ है, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट दुनिया में हो रही है, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा नहीं हो रही, जिसकी वजह से दुनिया ने उसकी ब्रीड को इस जगह पे ले गए हैं कि उन्होंने अपनी यील्ड बढ़ा ली और हम उस यील्ड को ज्यादा बढ़ा नहीं सके, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से तो इसमें डेफिनेटली काम होने की गुंजाइश है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था बफलो की, भैंस की। ठीक है, ठीक। आप दुनिया में भैंस के तो आपने नहीं सुना होगा कि दुनिया में बाकी मुल्कों में चंद मुल्कों को छोड़ के जहाँ पे भैंस का दूध अवेलेबल है, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसकी जो कंपोजिशन है वो बेहतर है, खास है, इसकी इसके अंदर ज्यादा ताकत है, इसके अंदर फैट कॉन्टेंट जो है वो काउ मिल्क के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो ये एक, जिस तरह हमने वक्त के साथ बासमती को एक यूनिक प्रोडक्ट के तौर पे डेवलप कर लिया है और इसकी ब्रांडिंग कर ली है और दुनिया में इसको जाना जाता है कि जी बासमती राइस है, इसी तरह हम बफलो मिल्क को डेवलप कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम इसको मिल्क की शक्ल में लेके जाएं, चीज़ की शक्ल में, क्रीम की शक्ल में, मतलब इसमें से बहुत सारी वैल्यू एडिशन की जा सकती है और ख़ास तौर पर इसको ब्रांड किया जा सकता है कि ये बफलो मिल्क की प्रोडक्ट है, जिसको फिर दुनिया में एक बेहतर नज़र से लोग, जिस तरह आप ऑलिव ऑयल की बात कर रहे थे कि एक खास अहमियत उसको दी जाती है, तो इसी तरह बफलो मिल्क और उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को भी एक खास ब्रांडिंग के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें फार्मिंग के हवाले से शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज ना हो लेकिन लोकली बहुत अवेलेबल है, आप इसको लोकल फार्मर से कलेक्ट करके इसको जो है आगे प्रोसेस कर सकते हैं, इसको पैक कर सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इसका चीज़, क्रीम और दूसरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और पहले पाकिस्तान में तो इसकी अप्रिसिएशन है कि अगर आप इसको कह के बेचें कि ये बफलो मिल्क है, इस खत्ते के दूसरे मुल्कों में भी इसकी अहमियत है जहाँ पे बफलो मिल्क कंज्यूम किया जाता है, लेकिन
अगर थोड़ी सी एफर्ट कीजिए तो दुनिया में भी इसकी अहमियत क्रिएट की जा सकती। बाबा साहब, मैं आपकी बात काटूंगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 6 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम में। मेरे जेहन में था कि हम कवर कर लेंगे, मुझे लगता है कि लाइव स्टॉक के ऊपर हमें अगले प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। इन 6 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि जितना कवर कर लें और इसको कंक्लूड भी करेंगे। मुझे लगता है कि हमने शुगर के किस्से को छेड़ के तो थोड़ा सा टाइम वो खा गया, लाइफ स्टॉक पे हम पूरी बात नहीं कर सके। तो मैं कहूँगा कि जैसे आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं डेप्थ में, तो जो आप बात कर रहे थे कि मीट सप्लाई की बात कर रहे थे, मुझे पता है आप स्टूडियो आपकी और मेरी बात हो रही थी कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर और हम भी कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आ जाए और लाइफ स्टॉक को हम अगले प्रोग्राम पर पूरी जोरों से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी जी बिल्कुल, मीट ऐसे ही है, ना सिर्फ ये कि हमारे हमारे जैसी ही एनवायरनमेंट है, हमारे जैसे ही वहाँ पे काम के तरीके कार है। इंडिया जो है $4 बिलियन की उनकी गोश्त की मीट की एक्सपोर्ट है, वहाँ पे भी जो मुसलमान है वही स्टेट में ज़्यादा शामिल है। वहाँ पे इस वक्त डिक्लाइन आया हुआ है उनके इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, अंडर प्रेशर है और वो दुनिया की सप्लाई चेन से आहिस्ता आहिस्ता उनका कनेक्शन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये जैसे जैसे वहाँ पे कमज़ोरी आ रही है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की मीट की एक्सपोर्ट में, बावजूद इसके कि हमने कोई एक्सेप्शनल एफर्ट नहीं किया है उस तरीके से, उस पर मेहनत नहीं की है जिस तरीके से उन लोगों ने की है, लेकिन उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा ये हो रहा है कि पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान से जो है मीट की एक्सपोर्ट में बढ़ावा देखा गया है। और लेकिन उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि वो दुनिया के 3-4 मुल्कों में सिर्फ अब तक हम पहुंच सके हैं। हमारे मुल्क से मीट जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहा है, UAE जा रहा है, गल्फ की 1-2 और मुल्कों में जा रहा है और एक वियतनाम जा रहा है। तो ये 4-5 मुल्कों में सिर्फ हमारा मीट जाता है और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ऑलरेडी जो पाकिस्तानी मौजूद है उन्होंने छोटी मोटी नेटवर्किंग उनकी हो रही थी, तो वो एक आसानी थी कि जी यहाँ से वो जो है ना वहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया। कोई प्रॉपर एफर्ट जो है इस सिलसिले में नहीं की गई। अगर ये एफर्ट कर दी जाए तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट करने के हवाले से एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट हर चीज़ एवरीथिंग इंक्लूडेड $20 बिलियन की है। हमारा मुल्क एक साल में $20 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, सब चीज़ें, टेक्सटाइल गारमेंट हर चीज़। हमारा हमसाया चाइना, जिसके साथ हम सीपैक का रूट और कनेक्टिविटी बना रहे हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन वहाँ तक बहुत आसान हो जाएगी, वो सिर्फ एक मुल्क 10 मिलियन, यानी कि जो हमारे मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट है उसका आधा सिर्फ मीट की इम्पोर्ट करता है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी मीट इम्पोर्ट की चाइना है। तो वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है कि वहाँ पर हम पहुँच सकें। 1-2 चीज़ें हैं जो रेगुलेटरी साइड पे ठीक होने की ज़रूरत है, लेकिन वो चाइना बहुत विलिंग है, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रांगली एफर्ट कर रही है क्योंकि मीट हाई प्रायोरिटी एक्सपोर्ट पे आ चुका है ऑलरेडी, गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट कर रही है, मैं खुद वाकिफ हूँ इस चीज़ से। और हमारे जो 10-15 स्लॉटर हाउसेज लगे हुए हैं, अगर इनको थोड़ा बहुत चाइना तक कोई मार्केटिंग की रसाई मिल जाए और चंद चीज़ें और ठीक हो जाए तो इसी तरह दुनिया की दूसरी मंडियाँ भी जो है हमारे मीट के लिए खुल सकती हैं। तो स्लॉटर हाउसेस पाकिस्तान में लगे हुए हैं, मीट फैटनिंग के फार्म्स पाकिस्तान में कुछ मौजूद भी हैं, लेकिन मजीद इन्वेस्टमेंट की जो बफलो काओ फैटनिंग गोट फैटनिंग खास फीड दे के उनको उनको उनके वेट को गेन करवाया जाता है, वो उससे मीट की क्वालिटी भी बढ़ती है, टाइम भी बहुत सेव होता है और वजन भी बड़ी जल्दी जानवर का बढ़ता है। तो वो उस तरफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि हम वहाँ आए, ऐसे फार्म्स लगाएँ मीट फैटनिंग के, स्लॉटर हाउसेस लगाएं, और उसके बाद एक पूरा पूरी डोमेन मौजूद है कि जहाँ पे हम उनकी सॉसेजेस से लेके कबाब से लेके फ्रोजन आइटम्स की तरफ लेके जा सकते हैं, और इस तरह पूरी दुनिया में मीट की एज अ रॉ कट या एक फ्रोजन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे लेके जाया जा सकता है। इसमें कुछ कंपनियाँ ऑलरेडी काम कर रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इसमें काम नहीं हो रहा, लेकिन जो पोटेंशियल है उसके हम बहुत दूर हैं उससे भी। अच्छा, के बिल्कुल, हमारा 1 मिनट रह गया और लाइफ स्टॉक के ऊपर हम एक लेंथी प्रोग्राम करेंगे। मैं समझता हूँ आपकी बात को एक तरह से कंक्लूड ही कर रहा हूँ, इसलिए कि
ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं महसूस करता हूँ कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी रीजन के लोग यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा मीट का काम करते हैं, और ये उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर होगी कि अगर वो पाकिस्तान में जाके इंडस्ट्री लगाएं, एक तो क्योंकि वो इंटरनेशनल, यूके थोड़ी सी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, सो इनके लिए वहाँ पे इस तरह के काम करने में बहुत ज़्यादा एक आसानी भी होगी, बिकॉज देर ऑलरेडी रीच सर्टन एक्सपर्टीज है। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए, और इतनी बड़ी मार्केट आपके पास आपकी नेक्स्ट डोर है जो आपको वैसे ही प्रेफर करेगी, क्योंकि चाइना जो है उसके साथ पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बेल्ट इनिशिएटिव है और उनकी रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल लाजमी चाइना आपको बड़े खुल के सपोर्ट करेगा। और ये वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लोग बड़े पैसे बना सकते हैं, यहाँ से जाके इंडस्ट्री लगा के बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पे मीट पर काम करते हैं, मैं कोशिश यही करूँगा कि जो अगला प्रोग्राम हो उसको हम बिल्कुल मीट के ऊपर पूरा डिटेल से लेके चलें, ताकि वो प्रोग्राम मैं अपने जो लोग मीट के सेक्शन में या जितने भी इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, स्पेशली पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में जाके बिजनेस करने के, मैं कई दोस्तों को जानता हूँ वहाँ, उन्होंने वही जो आपने कहा कि एक भेंटशाला के प्लॉट्स बनाने शुरू किए हुए हैं, किसी ने मरी में लैंड ले ली, पता लगा जी उसके ये नहीं क्लियर हुआ वो नहीं क्लियर हुआ, तो इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि वो जाके यहाँ पे काम कर सकते हैं रादर देन गोइंग इन टू प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी टैप हो चुकी है, या उसमें जब तक गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट नहीं करती। ये मुझे पता है कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में, ये कोरोना ना आती तो वो प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया था जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जाके काम कर सकते थे। लेकिन ये वो फील्ड है जिसकी आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके नेक्स्ट डोर चाइना है जिसकी डिमांड 10 मिलियन है और आप तो मेरे ख्याल में 4 मिलियन भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो आपको तो आगे पीछे जाने की बजाय आप अगर यहाँ से जाके वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज यहाँ पे है और आइडियल सिचुएशन है, इसमें इतनी बड़ी लैंड रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये जो जितनी भी आप कहते हैं ना काउस जो इम्पोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, वो यहाँ से इजीली, क्योंकि वो यहाँ मीट सेक्शन से मौजूद है, तो वो इजीली उनको सोर्स आउट भी कर सकते हैं, यानी कि वो उनकी यानी कि इजीली इसको ढूंढ देते हैं। सो मैं चाहूंगा कि लाइफ स्टॉक के ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करें जिसमें जितने भी हमारे लाइफ स्टॉक के लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको बताया जाए कि कितनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है। सो एक बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, अभी तो बहुत सारी फील्ड है जिस पर हम बात कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में जो मेरे जहन में बहुत सारे और क्वेश्चन है, मैं उन पर छोड़ देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। तो बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम किया, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जब वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो इससे वो फायदा उठाएंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा बाबर साहब कि आप अमूमन कहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट सारे मॉडल्स पंजाब गवर्नमेंट ने बना के रखे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो उनसे लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ये सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आसानी से हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर सकते तो मेरी कोशिश ये होगी कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे कुछ तरह का डेटा कलेक्ट करके दें ताकि हम यहाँ पे उसको लिंकअप करें, और फ्यूचर में अगर यहाँ से कोई इन्वेस्टर जाना चाहता है तो आपके जो जानने वाले कोलीग हैं जो इस फील्ड को एक्सपर्ट समझते हैं, हम उनको उस तरफ लाइंड अप करें कि भाई इन लोगों के पास जाओ जो एक्सपर्ट हैं। जैसे ऑफ रिकॉर्ड हमारी बहुत सारी बातें होती हैं कि लोग अगर उधर कंपनी बनाना चाहें तो लोग इतने टाइम वेस्ट करते हैं, अगर आप सही बंदे को किसी प्रोफेशनल को हायर कर लेंगे आपका खर्चा भी थोड़ा होगा और आपकी एक दिन में कंपनी भी बन जाएगी, लेकिन लोग अमूमन वो क्या कहते हैं बीच में एजेंट घुस जाते हैं, 100 चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी लोग रेटेटिज्म का शिकार हो जाए, उसके ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज हम आपसे इजाजत लेते हैं, हमारा प्रोग्राम 1 घंटा होना था, 1 घंटे 4 मिनट हो गया,
बल्कि 5वें मिनट में चला गया। तो बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, प्लीज देखते रहें नया दिन टीवी। और बाबा मलिक साहब बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे पास लेके आ रहे हैं। खुद ये हॉर्टिकल्चर में इनकी थोड़ी बहुत अपनी भी इन्वेस्टमेंट है, मैं उसके ऊपर भी इनसे बात करूंगा कि उनमें इन्होंने क्या देखा और क्या पाया, क्योंकि ये भी एक तरह से इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं जो बड़ी अट्रैक्टिव है। अभी छोटे लेवल पे कर रहे हैं लेकिन ये कर रहे हैं इसलिए कि वो क्या कहते हैं, नॉट ओनली थ्योरी द प्रैक्टिकल ऑल्सो, बाबा मलिक इज ऑलरेडी डूइंग दैट। तो इसलिए बाद लोग कहते हैं कि जी आपने एक्सपर्ट ओपिनियन तो रखी है, लेकिन जब वो फील्ड में उतरेंगे उनको पता लगेगा। तो मुझे पता है कि आप फील्ड में उतरे भी हैं, आपने फिश फार्मिंग में, अमरूदों में और भी फलों में काम किया, तो उस पर हम किसी दिन छेड़ेंगे आपकी बात, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि हम किसी ऐसे बंदे से नहीं बात कर रहे जो सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा है, हम उस ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं। तो बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका नया दिन के लिए प्रोग्राम करने का। तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीक बाबर मलिक के साथ। स्पेशली हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट यही होगा, लाइफ स्ट्रगल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।